लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख एवं विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने कहा कि बेहवल कलाबा बरगाड़ी बेअदबी मामले में सरकार ने पुलिस अधिकारियों पर FIR करके केवल आंखों में मिट्टी झोंकने की बात की है, क्योंकि FSL की रिपोर्ट में साफ हो चुका है किसी भी पुलिस अधिकारी के हथियार से गोली नहीं चली। बैंस ने मांग की है कि इस FIR में तत्कालीन गृह मंत्री सुखबीर सिंह बादल का नाम भी शामिल किया जाए। लुधियाना से जसवीर जस्सी। बरगाड़ी ते बैबल कलां गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी कांड ते पुलिस दे चार अधिकारियों के उत्ते पुलिस के चार अफसर के उत्ते सरकार ने सिर्फ गोंगलों तो मिट्टी झाड़न वास्ते FIR दर्ज करती। मैं गोंगलों तो मिट्टी इस करके कहा कि यह रद्दी का टुकड़ा FIR है। फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट आ चुकी है, उस रिपोर्ट के गल आ चुकी है कि उस मौके मौजूद जो गोली चली है ना बैबल दे विच गोली चली है तो उस मौके से मौजूद किसी पुलिस मुलाजम किसी पुलिस अफसर के उस हथियार के गोली चली हो नहीं। तो फिर जे पुलिसियां दे हथियारां चो गोली नहीं चली तो फिर FIR का तुक ही रह गया। सो अज असी इस गल की मंग करते हैं कि पुलिस अफसर की जरूरत नहीं, किसी SSP की किसी अधिकारी की जरूरत नहीं कि वह निर्दोष लोगों के उत्ते गोली चला जाए। उन्होंने हुक्म देने वाला कौन? हुक्म देने वाली समय की सरकार, हुक्म देने वाला समय का गृह मंत्री। अज कैप्टन अमरिंदर सिंह ओ महसूस हों कि वह अपने पुत नालों वध भतीजे सुखबीर बादल नूं प्यार करते नजर आ रहे हैं। इस FIR दे विच सुखबीर बादल दा नाम क्यों नहीं, जबकि सरकार ते गृह मंत्री दी इजाजत तो बिना यह गोली कांड होया ही नहीं गा। सो जिहड़ी FIR है रद्दी का टुकड़ा, क्योंकि FSL की रिपोर्ट जिहड़ी फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट उहदे विच इह गल साफ तौर पर आ चुकी है कि पुलिस अधिकारी पुलिस मुलाजमान के हथियारों के कोई गोली चली नहीं। तो गोली चलाने वाले लोग किहड़े सी? गोली चलाने वाले पुलिस अफसर पुलिस मुलाजमान किने ऑर्डर किया? वह हैगा सुखबीर बादल। सो असी अज ये मंग करते हैं कि सुखबीर बादल के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाए, जी पहला दर्ज पुलिस अफसर के उत्ते FIR हुई है उहदे विच सुखबीर बादल का नाम विशेष तौर पर प्रमुखता के नाल पाया जाए। तो दूसरा जी जस्टिस रणजीत सिंह रंधावा कमिशन की रिपोर्ट है, वह सरकार को जनतक करन दे विच परेशानी की है। कहिंदे जी पंजाब विधानसभा का असी सैशन बुलावांगे, तो सैशन बुलाना कदों आ? जस्टिस रणजीत सिंह रंधावा कमिशन की एक पासे रिपोर्ट आ गई, दूसरे हथ कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने चक्के जिहड़ा CBI नूं मसला सौंपता। CBI नूं मसला सौंपण का मतलब कि बादलों नूं किते बादल फैमिली नूं सेक ना लग जाए। उपर BJP की सरकार हैगी आ ते थले अपने भतीजे नूं बचाउण वास्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठे आ। CBI नूं मसला देण दा मतलब सिर्फ ते सिर्फ बादल फैमिली नूं बचाउण दा एक तरीका कढ़िया कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने। जस्टिस रणजीत सिंह रंधावा कमिशन की रिपोर्ट नूं तुरंत जनतक किया जाए, उहदे विच पर्दे दे पिछले लोग ते पर्दे दे अगाह वाले लोगों के उत्ते सख्त कार्रवाई की जाए। जिन्हें मौके ते मौजूद पुलिस मुलाजम अधिकारी आ उहनां दे वैपन की जिहड़ी FSL रिपोर्ट हैगी आ, फोरेंसिक लैबोरेटरी की रिपोर्ट आ, उह कह रही आ कि इन्हां पुलिस मुलाजम ते अधिकारियों के हथियारों के विचों गोली चली नहीं। मतलब कि जिहड़ी FIR दर्ज हुई तां रद्दी का टुकड़ा, अदालत सजा किहनूं देगी? जदों उन्होंने वैपन चा कोई गोली नहीं चली तो फिर वह गोली चलाने वाले कौन सी? गोली चलाने वाले पुलिस अधिकारियों ऑर्डर देने वाला कौन सी? समय की हुकूमत के गृह मंत्री कौन सी? सो साडी यह मंग हैगी जिहड़ा रद्दी का टुकड़ा FIR है ये कुछ भी नहीं। सब तो पहला इस FIR के सुखबीर बादल का नाम तुरंत शामिल किया जाए।